Role of photosynthetic pigment in photosynthesis. As light is flashed on matter, it may be reflected, transmitted or absorbed. जब रोशनी किसी मैटर पर पड़ती है तो तीन काम हो सकते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या ट्रांसमिट हो जाए, या फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. सब्सटेंसेस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स. व्हाट आर पिगमेंट? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट. यानी पौधों के अंदर ऐसे दरार मौजूद होते हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं. डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. ये हम अपनी पिछली क्लास में लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर डिटेल में देख चुके हैं कि डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. दीज पिगमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब ये जो पिगमेंट होते हैं इनमें से कुछ अहम पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन सेंटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कि क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आर द क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स. क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये हम पिछली क्लास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी इनकी पीक से अंदाजा लगा चुके हैं. क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू ए बी सी डी एंड ई. यानी इतने डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं जिन्हें हम डिफरेंट तरह से नंबरिंग देते हैं, और ये नंबरिंग एक्चुअली इनकी वेवलेंथ के हल्की सी वेरिएशन की बुनियाद पर होती है. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए का एम्पिरिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और साथ ही क्लोरोफिल बी का एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टू मेन पार्ट. एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के दो मेन पार्ट होते हैं. एक पार्ट फ्लैट होता है जो कि स्क्वायर होता है, और ये हिस्सा लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है, और इसी के साथ एक हाइड्रोफोबिक टेल भी मौजूद होती है. अब ये जो टेल होती है ये हेड के साथ अटैच हालत में मौजूद होती है. द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग. अब हेड का ये जो रिंग होता है ये कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग कहलाता है, जो कि बना हुआ होता है फोर स्मॉलर पायरोल रिंग्स जॉइंड बाय मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग. यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद है, और वो मैग्नीशियम जो है वो फोर नाइट्रोजन रिंग्स के साथ अटैच हालत में मौजूद है, और इस तरह यहाँ पर क्लोरोफिल का हेड फॉर्म हो रहा है. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज फाइटोल. फाइटोल का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलिकॉइडल मेम्ब्रेन बाय दिस टेल. यहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट के थैलिकॉइड इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, और इस डायग्राम को अगर हम मैक्रो करके देखते हैं तो ये थैलिकॉइडल मेम्ब्रेन है जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ऊपर इनके हाइड्रोफिलिक हेड है, और सेंटर में दोनों साइड टेल्स मौजूद हैं, और ये टेल्स और ये पोर्शन जो है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, और यहाँ आपको क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हालत में नजर आ रहे हैं. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मेनली एब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट. ये चीज भी हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि क्लोरोफिल वॉयलेट ब्लू और ऑरेंज रेड पोर्शंस की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहीं अपनी पीक्स को शो करते हैं. ग्रीन, येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स, देयरफॉर प्लांट्स अपीयर ग्रीन. प्लांट्स इसलिए ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि क्लोरोफिल तमाम की तमाम ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता. क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट डायरेक्टली टेक पार्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है जो कि तमाम पिगमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उसके बाद उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसकी अहमियत दूसरे पिगमेंट के मुकाबले में ज्यादा है. इट एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म डिफरिंग स्लाइटली इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक. अब ये जो रेड एब्जॉर्बिंग पीक है इसकी बुनियाद पर इसकी बहुत सी टाइप है, और ये इन पीक पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है जिनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, लाइक 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर. क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलोंग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन एल्गी. क्लोरोफिल बी भी क्लोरोफिल ए के साथ प्रेजेंट होता है तमाम ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में. कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ब्लू वायलेट रेंज एफिशिएंटली. अच्छा, ये येलो कलर के हो सकते हैं या रेड टू ऑरेंज, जितने भी शेड्स हैं वो जो पिगमेंट होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं. ये ब्लू से वॉयलेट रेंजेस की जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और ये डिफरेंट होता है क्लोरोफिल से क्योंकि क्लोरोफिल हम जानते हैं ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है. यहाँ आप कैरोटीनॉइड के
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को चेक कर सकते हैं कि ये सिर्फ ब्लू से वॉयलेट रेंज तक जा रहा है, जबकि रेड रेंज में ये एब्जॉर्प्शन नहीं दे रहा है। दिस ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। द कैरोटीनॉइड्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी एंड देन टू क्लोरोफिल ए। फ्रॉम हेयर एनर्जी ट्रांसफर टू लाइट रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज शोन इन दिस डायग्राम। सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल को देता है, देन क्लोरोफिल ए को देता है जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। अब ये रिएक्शन सेंटर से ये एनर्जी लाइट रिएक्शन में यूज होती है और केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। सम कैरोटीनॉइड्स ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है तो उन हाई एनर्जी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कैरोटीनॉइड्स यूज हो रहे होते हैं, ताकि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सेव रहें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 4.1.3 पेज नंबर 74 रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या किरदार अदा करते हैं। As we have already discussed that each pigment has its own absorption spectra due to their slight structure. ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रोल ऑफ पिगमेंट्स के अंदर के हर पिगमेंट का अपना एक अलग absorption spectra होता है और वो अलग wavelength की light को absorb करता है। The light of same wavelength are not absorbed by chlorophyll A, but very effectively absorbed by chlorophyll B and vice versa. यानी जो chlorophyll A है वो जिस wavelength की light को absorb करता है, chlorophyll B वैसा absorb नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बहुत ही वाज़े फर्क मौजूद है, तो दोनों का अपना अलग अलग है। सच डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। अब ये जो डिफरेंस है तमाम पिगमेंट के स्ट्रक्चर में और जिसकी वजह से वो अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक जो रोशनी की रेंज है ऊपर एक बड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है और हम डिफरेंट रेंजेस की लाइट डिफरेंट पिगमेंट के जरिए पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। यानी ये बेनिफिट है। All necessary pigment transfer the energy to chlorophyll A and then to photosynthesis for conversion through photosystem already discussed above. अब क्या है कि तमाम जो photosynthetic accessory pigments हैं, यानी carotenoids और chlorophyll B वगैरह, वो जो रोशनी है उसे absorb करते हैं और absorb करके वो तमाम के तमाम transfer कर देते हैं उसे chlorophyll A को। ये चीज हम कब discuss कर चुके हैं? जब हमने antenna complex और reaction center वाले lecture किया था उसके अंदर इस चीज को हम discuss कर चुके हैं already। यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.4 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पर हम क्लोरोफिल ए एंड बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखेंगे। As we have already discussed that due to structural difference both chlorophyll A and B has different absorption spectra. अब ये चीज को हम पहले ही बता चुके हैं कि structural difference की वजह से इनका जो absorption spectra है वो अलग अलग है। These absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B pigment in visible range is measured in our solvent. अब इस जो absorption spectra है इसको visible range की जो रोशनी है उसमें एक सॉल्वेंट के अंदर एब्जॉर्ब किया गया है। एक सॉल्वेंट के जरिए एब्जॉर्ब किया है हमने क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब वॉयलेट एंड ऑरेंज लाइट। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है कि वॉयलेट और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है 650 से 700 नैनोमीटर तक। वेल क्लोरोफिल बी 450 टू 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब मोस्टली ब्लू एंड येलो लाइट। अब इस डायग्राम के जरिए देखिए, यहाँ पर इस एक्सिस पर 400 से 700 तक जहां राइट डाउन है, यहां पर वेवलेंथ है, यानी ये 400, 500, 600 एंड 700 ये वेवलेंथ है और यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। ये जो ग्रीन लाइन है ये एक्चुअल फोटोकेमिकल एफिशिएंसी शो कर रही है और ये जो ब्लू लाइन है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रही है। तो जो ब्लू लाइन है वो ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रही है और यहां पर जो ग्रीन लाइन है वो एक्चुअल फोटोकेमिकल एफिशिएंसी शो कर रही है। तो हम यहां पर चेक कर सकते हैं 650 से लेकर 700 नैनोमीटर तक क्लोरोफिल ए वॉयलेट और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि यहाँ 450 से लेकर 500 तक क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू और येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है वो हमें यहाँ पर 400 से लेकर और तकरीबन 550 तक एब्जॉर्प्शन शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है उसकी पीक हमें नजर आ रही है 680 नैनोमीटर पर, जबकि क्लोरोफिल बी यहाँ पर ये लाइन क्लोरोफिल बी को शो कर रही है। क्लोरोफिल बी की जो पीक है वो हमें इस जगह पर तकरीबन 680 नैनोमीटर पर मिल रही है, जबकि ये जो लाइन है ये क्लोरोफिल ए को शो कर रही है और क्लोरोफिल ए की पीक हमें इस जगह पर तकरीबन 700 नैनोमीटर पर नजर आ रही है।
नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.5 अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस सेक्शन एनर्जी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड विद अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फोटोसिस्टम which has light gathering antenna complex consist of a cluster of few hundred chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids molecules। अब ये जो chlorophyll A है ये कुछ इस तरह से organize होता है कि ये तो मौजूद होता है रिएक्शन सेंटर के अंदर और इसके ये बहुत सारे दूसरे chlorophyll A और chlorophyll B और carotenoids के molecules होते हैं जो कि मिलकर antenna complex बना रहे होते हैं। When any antenna complex molecule absorb energy of a photon, this energy is transmitted from one pigment molecule to other pigment molecule until it reaches a particular chlorophyll A, which is structurally similar to other chlorophyll molecule but located in the region of photosystem called reaction center। अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका जिक्र मैंने किया कि क्लोरोफिल ए के हजारों मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल अरेंज होकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये सारे पिगमेंट क्या करते हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक से दूसरे को शिफ्ट करते रहते हैं, यहां तक कि ये सारी की सारी एनर्जी गैदर करके एक खास किस्म के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को पहुंचा देते हैं और वो वाला जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मुकाबले में अलग होता है और वो मॉलिक्यूल जिस जगह पर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, वेयर फर्स्ट लाइट ड्राइविंग केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर से स्टार्ट होता है लाइट ड्राइविंग केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी रिएक्शन सेंटर से अब जो फोटोसिस्टम है उनमें रिएक्शन या पहला अमल या पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा होता है। इट मीन्स दैट द फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब ये हमें समझ आ गया कि ये जो फोटोसिस्टम होते हैं ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, नंबर वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड नंबर टू इज रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल का एक ग्रुप होता है जो रोशनी को गैदर करता है, और रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इसमें सिर्फ एक अदद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि बाकी सारे जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी अब्जॉर्ब की हुई रोशनी को हासिल करता है। द रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए अलोंग विद मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ये जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल और इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मौजूद होते हैं इसके साथ। अब यहां तक हमने जो सारा फोटोसिंथेटिक अपरेटस होता है उसके बारे में मालूमात हासिल कर ली है और अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसा होता है यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किस तरह से होगा तो वो चीज हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।